अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, जापान चले गए, सेटल हो गए लोग बाहर कंट्रीज में जाकर। किस लिए? पैसा कमाने के लिए। हमें क्या चाहिए? हमें पैसा चाहिए, हमें ज़िंदगी में कामयाब होना है, क्योंकि सफलता का नाम ही आजकल लोगों ने पैसा बना दिया। एक घर खरीद लिया, दो खरीद लिए, महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद ली, महंगी महंगी ज्वेलरी खरीद ली, स्टेटस अपना सबके सामने बहुत ऊँचा कर लिया, लेकिन ज़िंदगी में एक चीज़ को इग्नोर कर दिया जो सबसे ज़्यादा कीमती और इम्पॉर्टेंट है, वो है आपके बच्चे। अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, क्योंकि कमाई में लग गए ना, 99 के फेर में पड़ गए। बच्चों को इम्पॉर्टेंस और बच्चों को जो एक अपनापन चाहिए, वो चीज़ मिसिंग हो गया। आज गूगल और टैब और फ़ोन उनके माँ बाप बन के बैठ गए। बच्चों के मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो माँ बाप के पास नहीं आते, वो सबसे पहले टेक्नोलॉजी से जाके पूछते हैं। आपको पता है ये कितना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर दी हुई वो अच्छी इंफॉर्मेशन और सही इंफॉर्मेशन नहीं होती बच्चों के लिए। उनकी एज के हिसाब से ही उनको एक्सेस होना चाहिए इंटरनेट का या चीज़ों का। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सब माँ बाप से, दुनिया में आई नो आप बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चे को कभी इग्नोर मत कीजिए। मॉर्निंग में आपका बच्चा उठता है, उसको कस के हक कीजिए और उसको बोलिए, यू आर द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ माई गॉड, कि परमात्मा ने तुम्हें हमें देकर हमारी ज़िंदगी को बहुत खुशनुमा बनाया है, तू हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दिन में मेक श्योर कीजिए कि आप अपने बच्चे के साथ कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर करें, उनको कहीं घुमाने ज़रूर लेकर जाएं। उनके साथ और कुछ नहीं कर सकते तो बैठ के 15 से 20 मिनट उनके दिल का हाल सुने। चाहे कैसे भी बात आपके बच्चे अपने साथ आपके साथ करें, उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को एक्नॉलेज करें, उनको इम्पॉर्टेंट फील कराएं। लेकिन एक चीज़ कभी ना करें, अपने बच्चे की बेइज्जती कभी किसी दूसरे के सामने ना करें, उसको कभी नीचा ना दिखाएं, क्योंकि उस चीज़ को वो दिल में बिठा लेते हैं और उसको कभी रिमूव नहीं कर पाते। पेरेंट होना कहना बहुत आसान है, एक्चुअल में सही पेरेंट बनना बहुत मुश्किल है। प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, आप अपने घर में बहुत सारे चेंजेस और अपने बच्चे में एक बहुत पॉजिटिव चेंज देखेंगे। ऑल द बेस्ट, स्टे मोटिवेटेड।